ये हमारे इंडिया में बना है, हमारे बिहार में है, तो हमारे इसरो के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए था। एक बार फिर से स्वागत है आपका दरभंगा तारामंडल में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दरभंगा प्लैनेटेरियम पर फुल व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है और मैं लेके आया हूँ आपके सामने दरभंगा प्लैनेटेरियम का फुल व्लॉग। तो एंट्री करने के साथ ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि सच में देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। अगर आप लोग यहाँ पे बाहर एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको शाम का टाइम सजेस्ट करूँगा। एक बार आपको मैं तारामंडल का 360 व्यू दे देता हूँ। स्टार्टिंग में तो यहाँ चार शो चल रहे थे, दो 2D का और दो 3D का, बट 3D का डिमांड बहुत ज़्यादा था जिस वजह से यहाँ पर अब 5 शो चल रहे हैं और पाँचों के पाँचों 3D में हैं। पहला शो आपको 10:30 बजे सुबह में शुरू होता है और लास्ट शो आपका है 4 बजे शाम में। यहाँ आने के लिए आपको टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक करना है, और टिकट कैसे बुक करना है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी आसान मेथड से आपको बताया है कि टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं तारामंडल के अंदर और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या है। एंट्रेंस गेट के अंदर आने के बाद आपको कुछ ऐसा सा सीन देखने को मिलेगा जो कि अभी आपको काफ़ी सुना लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी साइंस की कोई चीज़ें नहीं रखी गई है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि ये साइंस म्यूजियम भी है तो यहाँ पर साइंस से जुड़ी चीज़ें होनी चाहिए। सामने की तरफ स्टेयर और एलिवेटर दोनों हैं। यहाँ आपको 150 सीटों वाला एक हॉल और 300 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा। तो हम लोग सीढ़ी का उपयोग करते हुए पहुँचते हैं हॉल के पास जहाँ हमारा 4 बजे का शो था। अंदर आपको वीडियो करना अलाउ नहीं है, अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, ये वीडियो मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर ना, ये मैं इन वॉचमैन अंकल से पूछ कर रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा कि क्या वीडियो करना अलाउड है, तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ वीडियो कर सकते हो, तो उसके बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। यानी कि आप यहाँ पर सेल्फीज ले सकते हो, फोटोज़ ले सकते हो, बट मेन वो जो शो चलता है ना उसका वीडियो करना अलाउ नहीं है। इसके बाद शो स्टार्ट होता है जो कि 45 मिनट तक चलता है। 45 मिनट के शो के बाद ये शो ख़त्म हो चुका है और सारे लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो चलिए हम भी बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकल के सीढ़ी के रास्ते हम लोग नीचे आते हैं जो कि दूसरी तरफ निकलता है। अगर मैं आपको शो के बारे में बताऊं तो नासा के द्वारा जो चांद पर पहला सैटेलाइट भेजा गया था उससे लेकर के फर्स्ट मैन जो कि चांद पर कदम रखा था, उन सब के बारे में सब कुछ बताया गया। बट हमारे इसरो के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया गया, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ये हमारे इंडिया में बना है, हमारे बिहार में है, तो हमारे इसरो के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए था। शो के लास्ट तक मैं वेट कर रहा था कि शायद अब हमारे इसरो के बारे में कुछ बताया जाए, बट इसरो के बारे में मुझे यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ हमारे इसरो के बारे में भी यहाँ शो दिखाया जाए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। दरभंगा तारामंडल का निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था जो कि 12 जनवरी 2023 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस वक्त ये आम लोगों के लिए चालू नहीं हुआ था। कुछ इंटीरियर वर्क के बाद 10 जून 2023 को ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस तारामंडल में 150 सीटों की क्षमता वाला एक हॉल है, 300 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम है और 50 सीटों वाला एक ओरिएंटेशन हॉल भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।